हमारा आज का विषय है संयोग। तो संयोग क्या होता है? संयोग एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। जब लक्ष्य एक होता है और व्यक्ति कई सारे होते हैं तो ढेर सारे व्यक्तियों को उस लक्ष्य तक पहुंचना होता है। तो वो क्रिया जिसमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो वो सामाजिक प्रक्रिया सहयोग कहलाती है। सहयोग की परिभाषाएं कुछ विचारकों ने दी हैं। सबसे पहले प्रोफेसर डेविस ने बताया कि एक सहयोगी समूह वह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है जिसको सब चाहते हैं। तो प्रोफेसर डेविस ने क्या बताया कि सहयोगी समूह वो है जिसमें एक ऐसे उद्देश्य को सब मिलजुल कर प्राप्त करते हैं जिस उद्देश्य को प्राप्त करना सबके लिए जरूरी है। अगली परिभाषा है सदरलैंड तथा वुडवर्ड की। किसी समान लक्ष्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों या समूहों का परस्पर मिलकर कार्य करना ही सहयोग है। तो सदरलैंड और वुडवर्ड ने बताया कि व्यक्तियों का लक्ष्य समान है और मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं और मिलजुल कर उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसी प्रक्रिया सहयोग कहलाती है। सहयोग को इंग्लिश में कोऑपरेशन कहते हैं। तो ये जाना हमने सहयोग के बारे में, सहयोग की परिभाषाओं का अध्ययन किया। अब उसका अर्थ। सहयोग सामाजिक अंतःक्रिया का वह स्वरूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह किसी सामान्य रूप से इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठित रूप से मिलकर कार्य करते हैं। समझने में यदि कठिनाई हो रही हो तो मैं आसान शब्दों में समझा देता हूं कि पहले एक व्यक्ति क्रिया करता है तो दूसरा व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है, और जब ये क्रिया प्रतिक्रिया लगातार चलती है तो अंतःक्रिया कहलाती है। तो सहयोग क्या है? अंतःक्रिया का वो स्वरूप है जिसमें इच्छित लक्ष्य या जो लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, हमारी जिस लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं, मिलजुल कर उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ऐसी प्रक्रिया जो है वो सहयोग कहलाती है। अब बात करते हैं सहयोग की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेशन। सबसे पहली बात, दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा समूह का होना। सहयोग प्रक्रिया में कभी भी एक व्यक्ति शामिल नहीं होता, कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए या दो व्यक्ति से ज्यादा, या समूह अगर होते हैं तो वो प्रक्रिया सहयोग कहलाती है। दूसरी विशेषता है उद्देश्य समान होना चाहिए। जितने व्यक्ति भी एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं उनका लक्ष्य या उद्देश्य या साध्य एक होना चाहिए। तीसरी विशेषता है हम की भावना का पाया जाना। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य करते वक्त आपको एक दूसरे का विरोध नहीं करना है बल्कि एक दूसरे की सहायता करनी है, और आप में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के उस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला जो दूसरा व्यक्ति है उसकी भी सहायता आपको करनी है। तो कहने का मतलब हम की भावना होना जरूरी है, तभी सामाजिक प्रक्रिया जो है वो सहयोग कहलाएगी। चौथी विशेषता, सहयोग करने वाले व्यक्ति
या सहयोग करने वालों का एक दूसरे के प्रति जागरूक होना जरूरी है। बहुत से व्यक्ति मिलकर एक लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ वो एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे के प्रति जागरूक रहें कि वो कितना सहयोग कर रहा है, कितना सहयोग नहीं कर रहा है, उसके अच्छे बुरे कार्य में भी उसकी मदद करें। तो इस प्रकार से जो सहयोग, इस प्रकार से जो सामाजिक प्रक्रिया बनेगी वो सहयोग कहलाएगी। पांचवा और अंतिम विशेषता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर और संगठित प्रयास करना। आपका लक्ष्य एक है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा और लगातार प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और ये प्रक्रिया सहयोग कहलाएगी। इंग्लिश में एक कहावत है, try and try again, you will got to be success. Thanks for watching.